जब मैं छोटा था और कभी एकांत में रहता था, किसी के पूछने पर कि क्या सोच रहे हो, तो मैं हमेशा जवाब देता था कुछ नहीं। अभी भी लोग यही जवाब देते हैं, सभी लोग। किसी से पूछो कि क्या सोच रहे हो, तो वो बोलेंगे कुछ नहीं, और मैं भी वैसे ही करता था। पर यदि सत्य मैं अपने अनुभव को बताऊं, तो मैं झूठ बोलता था। और ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेगेटिव थिंकिंग करता था, गलत सोच करता था। केवल बात यह थी कि मैं बहुत फैंटेसी करता था, और वो फैंटेसी बहुत इम्प्रैक्टिकल होती थी। फैंटेसी का मतलब ही है इम्प्रैक्टिकल, इमेजिनेशन। और उस इम्प्रैक्टिकल इमेजिनेशन में बहुत रिजल्ट अपने अनुसार निकालता था, कंक्लूजन, और बहुत खुश होने की कोशिश करता था। इसीलिए मैं बताने से, लोगों के सामने बताने से डरता था कि लोग मेरा हंसी मजाक बनाए। ये तो रही मेरे बचपन की टेंडेंसी। यदि अब देखो, तो हम जब एडल्ट होते हैं, तो भी हम यही सेम टू सेम चीज अप्लाई करते हैं किसी के द्वारा पूछने पर। यदि हम सत्य बता दें कि हम क्या फैंटेसी कर रहे हैं, नेगेटिव तो छोड़ दो, फैंटेसी की मैं बात कर रहा हूं, क्या फैंटेसी कर रहे हैं, तो शायद लोग हमारा मजाक बनाने लगेंगे। पर वास्तव में हम छुपा जाते हैं, कुछ नहीं। जबकि कुछ नहीं सोचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। कुछ नहीं सोचने के लिए हम तरस जाते हैं। शायद इसीलिए हम जब ये सब चीजें आती थी, तो मुझे अंदर से गिल्टी फील होती थी कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं जो मैं सोच रहा था, मैं नहीं बता रहा हूं, वो एक गिल्टी थी। और जब मैं योग और ध्यान में आया, तो मैंने उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की, और प्रैक्टिकल अप्रोच से और खुशी होने की कोशिश की। और सच माने, यदि मेरा अनुभव देखें, तो वो ज्यादा बेटर था। ये मैं जरूर कहता हूं कि जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है, वो बड़ा टफ है, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन की जरूरत है। उसमें माइंड, ब्रेन, सेंसेस और बॉडी को एक करना पड़ता है। लेकिन फैंटेसी में आप बॉडी को हटा करके मेंटल अप्रोच रखते हो, और लाइफ को जी लेते हो मेंटली, और अपनी हार्मोन्स की सीक्रेशन करा लेते हो। वो बचपन में तो ठीक है, लेकिन 20-21 सालों के बाद, जब आप शादी करते हो और नौकरी में, या आप में एक मेंटल मेच्योरिटी आ जाती है, फिजिकल मेच्योरिटी आ जाती है, तब आप उस फैंटेसी लैंड में नहीं होते, और नहीं होना चाहिए। अगर हो, तो इसका मतलब अभी भी आपकी ग्रोथ मेंटली नहीं हुई। और इसके, उस फैंटेसी से बचने के लिए कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि आपको मैं प्राणायाम बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोग बताते हैं सल्यूशन बताओ, सल्यूशन बताओ। सल्यूशन, जब हम किसी चीज के कारण को बहुत डिटेल में समझते हैं, तो सल्यूशन वो अपने आप समझ में आ जाता है कि क्या करना है। लेकिन हम लोग अननेसेसरी, जो बहुत इमेच्योर ब्रेन होते हैं, वे कुछ न कुछ इमीडिएट क्वेश्चन, पहले के क्वेश्चन सुनने के पहले, रीजन समझने के पहले, वो सल्यूशन पे कूद पड़ते हैं। उनको इमीडिएट सल्यूशन चाहिए, पेशेंस नहीं है, तभी तो बीमार है। तो जब हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, बहुत डिटेल में एंटर करते हैं, तो हम अपनी हार्मोनल सीक्रेशन डायरेक्टली कराते हैं। एक एग्जाम्पल थे, एक 15 साल का बच्चा जो इमेजिनेशन करता है, जो फैंटेसी करता है, वो एक्सप्रेसिबल नहीं होता पब्लिक में।
अगर वो बाय द वे एक्सप्रेस कर दे तो शायद उसकी फैंटेसी, शायद उसकी इमेजिनेशन कम हो जाए। मेरा कल कहने का मूल मतलब है कि हम सबसे बड़े झूठ बोलते हैं कि हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। यदि हम अपने आप को एनालिसिस करें तो हम बहुत बहुत ज्यादा शांति की ओर जा सकते हैं। हम अपने माइंड को ट्रेन करें अपने डिसिप्लिन के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा। बहुत सारे प्राणायाम हैं, किसी भी गुरु को उठा लो, कुछ ना कुछ कर लो तो शांति मिल जाएगी। कुछ नहीं सोचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है।